मान लीजिए अगर ड्राइवर में पूरे देश में अगर एकता हो गई तो कुछ भी हो सकता है। देख सकते तमाम गाड़ियां यहाँ पे चक्का जाम हुआ है। बिलेसा मंडी जो है मंडी के सामने जस्ट हम बात आपसे कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तमाम उधर से लेके जनता दिखाई, थोड़ा पब्लिक दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक यहाँ पे हजारों में इकट्ठा हो चुकी है। तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर अब देख सकते हैं आप लोग, इधर भी तमाम गाड़ियाँ कम से कम जो वहाँ पे बिलेसा का जो ओवरब्रिज है तहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे आज ही से स्टार्ट हो चुका है। आजमगढ़ की घटना ये है और दिखाते रहेंगे आप लोग को। क्या नाम आपका है? नाम क्या ओ भाई, इधर भी जाम लोग देख सकते हैं, इधर भी जाम लग गया है, ड्राइवरों का हंगामा चालू हो चुका है, चक्का जाम लगा दिए यहाँ पे आके लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मचाए हुआ है लोग हैं। बोला 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 क्या करना चाहते हैं आप? देखिए वो और उस रोड पे जाम था ही, इस रोड पे भी जाम हो गया है, होना है ना, एकता दिख रही है ना? एकता है, एकता है ना, कानून वापस होना चाहिए। योगी जी से कह दीजिए कि भैया देखिए जाम लगा रहे हैं, आप जो कहना हो कहिए। आप एक ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर ही। तो क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कोई अगर आदमी अगर मर जा रहा है, अगर कोई आदमी मर जा रहा है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। रात में डोल रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार होगा? गाड़ी तेजी में जा रही है, कोई मर जा, क्या चीज? अगर आप एल्कोहल पी के चलाएंगे गाड़ी तो कोई मरेगा तो जिम्मेदार नहीं होंगे आप? दारू पी के गाड़ी कौन चलाता है? एक गाड़ी नहीं जान दूंगा मैं। ऐसा कौन सा कानून है जो ड्राइवर के लिए 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा? हम लड़ेंगे उसके लिए, हम आपके लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे उसके लिए। हमारी सरकार किसी को नहीं, जैसे हमारे कहने क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? हम यही कहेंगे कि जैसे कोई आदमी जा रहा है और रात में अगर लड़के मर जा रहा है तो हम उसका जिम्मेदार होंगे, गाड़ी हमारे पास कैसे? और बीमा देते हैं, बीमा भी तो घर का है। बीमा भैया आप कहाँ से? मैं यूपी से अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से? हाँ। आप कहाँ से? मैं पेशेंट लेके आ रहा हूँ, मेरे को स्पेस नहीं है, कम से कम पेशेंट के लिए आप लोगों को स्पेस दो। तो ये आदमी क्या करेगा? भैया एक बात सुन लीजिए, कम से कम जो एम्बुलेंस आ रही है कम से कम उनको जाने दीजिए ना, जो एम्बुलेंस आ रही है उनको उसको स्पेस दीजिए आप लोगों ने कम से कम। प्रशासन यहाँ पे सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ हम बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं, ठीक, उसके बाद मैं बता रहा हूँ रोड पे कोई आदमी अगर मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, माने उसको। तुम भी तो गाड़ी चलाते हो यार, तुम भी तो गाड़ी चलाते हो, तुम्हारे पर कोई बात है कौन जिम्मेदार होगा? ये तो होता सभी करते हैं। हम आपकी भावना समझ रहे हैं, रही बात की इनका जो एम्बुलेंस, सुने सुने मेरी बात, इनका जो एम्बुलेंस है इनको निकालिए आप लोग ने, आप लोग जिंदगी मरीज है कम से कम गाड़ी आप लोग ने निकाल दे रहे हैं, एम्बुलेंस निकलवा दीजिए ना, पीछे से एम्बुलेंस निकलवाइए, एक लाइन क्लियर कीजिए ताकि एम्बुलेंस निकले ना, बाकी आप लोग गाड़ी जो रोकना आप लोग रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एम्बुलेंस खाली हो जाना चाहिए, पर रास्ते में एम्बुलेंस जो लग रही है कम से कम उसको खाली करिए आप लोग ने। अरे वो वाली बात नहीं, उसमें मरीज है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, उसमें मरीज है तो मरीज में हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद आप बुलाइए उनको ना, रोक लिया ना, मैं नहीं करना चाहता हूँ। का भी तो ड्राइवर है, आपको भी तो ड्राइवर है, एम्बुलेंस का ड्राइवर ठीक है, कोई बात नहीं, जो इसमें मरीज है ना कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद आप जाम लगाइए ना, अमित शाह को बोल दीजिए कि गाड़ी ऐसी बना जो पेशेंट को कुछ होगा, नहीं नहीं वही हम कह रहे हैं ना, आप नहीं नहीं कम से कम जो पेशेंट आ रहे हैं कौन से रास्ते से मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली से हूं, मुझे बताइए, मुझे नहीं पता यहां का रास्ता, पेशेंट के लिए रास्ता छोड़िए ये गलत है, कैसे जाएगी बताइए, एम्बुलेंस खाली करा दीजिए ना, पेशेंट के लिए एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, बोलेरो है पीछे, हां ये रही, यहां जाएगा उस रास्ते से गाड़ी निकल पाए, कुछ जुगाड़ करवाइए आप लोग, कुछ जुगाड़ करवाइए, ये गाड़ी जब अटक गई तो कैसे निकलेगी? कोई तो शाम बताई इलेक्शन में हम लोग आप समाधान निकालिए उसके बाद हम लोग खाली करवा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन आप ही रास्ता हम आप ही के ड्राइवर कर रहे हैं। हाँ सर, ट्रैक्टर देंगे। हेलो, यही है